गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग इमरान अंसारी। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र यादव। गुड मॉर्निंग। यस्टरडे की क्लास में हम लोगों ने लॉजिक गेट्स की बात कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट की सहायता से कुछ बेसिक गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन किए थे। हमने आपको बताया था कि कैसे आपको बेसिक गेट्स जनरेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नैंड और नॉर से। ना आज हम लोग कुछ और गेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल गेट की सहायता से, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, इसे हम लोग बात अगर करें, से मान लीजिए कि ये गेट है आपका, कौन सा गेट हो गया आपका, ये कौन सा गेट है, ये आपका नैंड गेट है। तो इसी गेट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अब गेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। कहाँ गया यार मेरा क्वेश्चन था इसमें बच्चों के लिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नैंड गेट आपके पास है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ए और बी अगर देंगे तो मैं यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, ठीक है। फिर अगर हमने एक चीज़ और देखी, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अभी कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा गेट हमको मिलेगा, ठीक। यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से हमने एक गेट किया, नैंड गेट यहाँ पर लगा दिया, और एक दूसरा नैंड गेट हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। यहाँ से हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना भी सीख लेंगे कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ए डॉट बी का होल बार का होल बार, क्लियर है। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, ये हमने क्या दिया, ए डॉट बी एक बेसिकली यहाँ पर दिया, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, ए डॉट बी का होल बार। फिर हमने इसी ए को इसी नैंड गेट में दिया, तो हमें यहाँ पर ए डॉट बी का बार जा रहा था, और यहाँ पर ए डॉट बी इनपुट, ए इनपुट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार का होल बार। इन द सेम मैनर यहाँ पर हमने किस चीज़ किस किया है, बी डॉट ए डॉट बी का बार का होल बार, सही है, बात समझ में आ रही ना, किस तरीके से ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन। अगर इसको हम एक्सपैंड करें, तो यहां पर लिखा है ए डॉट बी का बार का होल बार, ठीक। अगर हम इसको एक्सपैंड करें दिमागन से, तो यहां पे आ जाएगा ए बार प्लस ए डॉट बी के बार का बार, ओके। डी मॉर्गन्स क्या कहा है कि अगर कोई दो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं और उसका नैंड हुआ है, होल बार है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इसको और तरीके से लिखा जाए, तो ये ए बार प्लस ए डॉट बी आ जाएगा, सही है। ए डॉट बी का होल बार जब था, तो हमने क्या कर दिया, ए बार प्लस ए डॉट बी का बार का फिर से डबल बार हो गया, और जहाँ डबल बार होता है वहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्स हट जाते हैं, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से जो आपका ये आउटपुट है, अगर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बी डॉट ए डॉट बी का बार का होल बार है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बार प्लस ए डॉट बी का बार का होल बार, आफ्टर दैट ये भी वही चीज हो जाएगा, बी बार प्लस ए डॉट बी। तो हम यहां पर अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस ए बी, और दिस इज इक्विवेलेंट टू बी बार प्लस ए बी।
अगर इसको फिर फर्दर हम एक नैंड गेट के इनपुट की तरह यूज कर लें, ये दिस वन, अगर इसको हम फर्दर एक बार नैंड गेट के इनपुट्स की तरह यूज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा उस वो क्या आएगा, ए बार प्लस ए बी डॉट बी बार प्लस ए बी का होल बार। देखिए इस तरीके से दो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एक तो हम कोई ना कोई गेट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे जो हो जाएगा, और दूसरा आपको बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की भी टेक्निक इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ में आ रही है, जो इनपुट हम दे रहे हैं उसका नैंड हो जा रहा है, तो इनपुट हमारा क्या है, ए बार प्लस ए बी और बी बार प्लस ए बी। अब यहां पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बी का होल बार, क्लियर है, और ये डॉट जो एंड ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बी बार प्लस ए बी का होल बार। क्लियर है, अब अगर हम इसी को और कंटिन्यू करें तो हमारे पास यहां मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स डॉट ए बी का बार प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी का बार, जो कि फर्दर क्लासिफाई होगी, ये क्या आ जाएगा, ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार। प्लस ये क्या है, बी, ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। समझ में आ रही बात, ये क्या होगा, ए डॉट ए बार दैट इज जीरो प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस जीरो। तो ये आपका जो देखिए, अगर इसका रिजल्टेंट देखिए फाइनली क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट। समझ मारी बात, ये कौन सा गेट मिल गया आपको, एक्सक्लूसिव और गेट। यूज कौन सा गेट किया गया है, ओनली नैंड गेट्स। तो हम लोगों ने बताया ना कि जो नैंड गेट होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है, वो यूनिवर्सल गेट होता है, और इसे यूनिवर्सल गेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस गेट की सहायता से हम लोग कोई भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था कि नैंड गेट से अगर एंड गेट बनाना था तो कितने गेट्स लगे थे, दो, नैंड से नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज उल्टा हो गया श्रावण मिश्रा, क्या चीज उल्टा हो गया श्रावण मिश्रा, रिप्लाई करिए, ठीक है। देखिए आगे, तो हमने नैंड से एंड बनाने के लिए दो गेट यूज किए गए, नैंड से नॉट बनाने के लिए एक गेट को यूज किया गया, नैंड से और गेट बनाने के लिए तीन गेट यूज हुए, और नैंड से हमने एक्सक्लूसिव और गेट बनाया जब, तो हमें कितने गेट की रिक्वायरमेंट हुई, चार गेट की रिक्वायरमेंट हुई। ये मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स है, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हम चार गेट से कम, पहले बुलियन बनाना था फिर सर्किट, मींस हमने तो ये सर्किट इंप्लीमेंटेशन आपको दे दिया था ना, इसका आउटपुट पूछा था, तो ये सर्किट अगर हमने बनाई तो सर्किट तो हमें पता था एक्सक्लूसिव और गेट में हमें क्या बनाना था, एक्सक्लूसिव और गेट का क्या आउटपुट चाहिए था, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ए बार बी प्लस ए बी बार तो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है ना, सर्किट इंप्लीमेंटेशन हमने किया यहां पर, ठीक है, समझ में आ रही बात।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नैंड गेट की सहायता से हमको कितने कितने गेट चाहिए एक्सक्लूसिव ऑफ बनाने के लिए, 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके चलिए, अब इसी तरीके से हम आपको एक और सर्किट दे रहे हैं। ओके लास्ट क्लास अगर मिस हो गया था तो उसको देख लेना, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, प्रीवियस क्लास कल ही हुई थी। ओके तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम एक सर्किट और आपको अब देंगे, उसमें देखते हैं उसका आउटपुट कैसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है चलिए हटा देता हूँ इसको। चलिए देखिए, अब एक चीज़ और आपको देखते हैं, ये है सर्किट, मान लीजिए ए बी, ठीक, सर्किट हम पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर गेट्स यूज़ किए गए, ओनली केवल नॉर गेट्स यूज हुए हैं, दिख रहा है नॉर गेट्स यूज़ किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो हमें मिलेगा ए और बी का होल बार, क्लियर है। अगर यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे तो हमें मिलेगा ए और बी का होल बार, क्लियर। यहाँ पर ये देखिए कि आपको इनपुट्स क्या हैं, ये एक इनपुट दे रहा है और ये बी है, तो यहाँ पर मिलेगा ए और बी का होल बार और बी का होल बार। यहाँ पर ए और बी का बार और ए का होल बार, यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देन आप पूछ सकते हैं। ओके गुड सावन मिश्रा, आपने फाइनली आउटपुट बताया, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे यहां पर। ठीक, अब देखिए ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, इसको अगर हम फर्दर मिनिमाइज करें तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी का होल बार डॉट बी का बार, क्लियर है। मोंटी मॉर्गन्स कह रहे हैं ना, अनुराधा सिंह गुप्ता सर की मॉर्निंग में क्लास नहीं थी क्या? नहीं आज नहीं थी, इवनिंग में ही चलेगी, ठीक है, इवनिंग में भाई पावर सिस्टम की क्लास कर लेंगे। सविनय कुमार सिंह, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो ए प्लस ए और बी का बार डॉट बी बार, अब इसी को हम फर्दर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी डॉट बी बार, तो ये क्या मिल गया हमको, ए बी बार, क्लियर है, ये सही है, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से अगर हम यहां पर भी इसको करेंगे तो हमें मिलेगा ए और बी का होल बार बार ए बार, और ये है जाएगा ए और बी डॉट ए बार, दैट इज इक्वल्स टू ए बार बी, ठीक है। अब इन दोनों का जो आउटपुट आया, यहां पे आउटपुट मिला है ए बी बार और यहां पर मिला है ए बार बी, अब इसको इस नॉर गेट का इनपुट अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा ए बार बी और ए बी बार का होल बार,
नॉर गेट का ऑपरेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ए दिस वन ए और नॉट बी का होल बार डॉट ए बी बार का होल बार, दिस वन इज फर्दर क्लासिफाइड, तो यहां पर हो जाएगा ए डॉट ए बार बी का डबल बार, फिर ये हो गया ए प्लस बी बार एंड ऑपरेशन ए, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, और ये कौन सा गेट हमें मिल गया, एक्स नॉर, गुड मॉर्निंग सविनय कुमार सिंह, समझ में आ रही बात यहां तक, देख लीजिए एक बार, कोई भी पॉइंट पर अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हो आप, समझ में आ रहा है, सर क्लास स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखती, मींस क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं पाए हम, पवन साह आप अगर आएंगे मैथ वाले सर तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ओके, वॉचिंग फ्रॉम राजस्थान, धर्मेंद्र कुमार क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है मतलब, इमरान अंसारी बहुत जल्दी हम एनालॉग स्टार्ट करेंगे, विद इन 2-3 डेज कंटिन्यूएशन हो जाए, काफ़ी गैप हो गया था कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इसलिए एनालॉग स्टार्ट नहीं हो पाई, इस वीक के लास्ट या नेक्स्ट वीक के मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म है ये, सर कोई भी क्लास इस टाइम 4-5 दिन से स्क्रीन पर नहीं दिखता, गुड मॉर्निंग विकास दिवाकर, समझ में नहीं आई धर्मेंद्र, स्क्रीन पर दिखता तो है, यूट्यूब की स्क्रीन पर दिखता तो है, सब लाइव हो रही है क्लासेस, अब तो आप डाउनलोड के ऑप्शन भी जल्दी ओपन हो जाते हैं, ऑल ऑफ यू आर वेटिंग जस्ट फॉर एनालॉग, ओके, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम लास्ट डे ऑफ दिस वीक और फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, फोन की डिस्प्ले खराब हो गई, मैं ही पढ़ाऊंगा,
किससे पढ़ना है तुम्हें नम्रता सिंह? किस ब्रांच से हो तुम नम्रता सिंह? चलिए, तो ये हमारा नॉर गेट से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना लिया। और कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट हुई हमको? आर सिंह गुड मॉर्निंग। तो ये देखा जाए कि अगर हम लोगों ने देखा कि नैंड गेट से एक्सक्लूसिव और बनाने के लिए एनालॉग स्टार्ट करूंगा मैं, मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे या फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कंफर्म है कि स्टार्ट हो जाएगी एनालॉग बहुत जल्दी, एज सून एज पॉसिबल हम कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे उतनी जल्दी सब्जेक्ट्स और आपके जल्दी जल्दी स्टार्ट होते रहेंगे, ठीक है। सविनय कुमार सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गुड। आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करने हैं, ठीक है, बस बिल्कुल सब कोई ईडीसी का इंतजार कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना बार बार क्लास में कि विद इन 3-4 days आई विल स्टार्ट ईडीसी, ओके, फ्रॉम बेसिक आई विल स्टार्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टिल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आई विल कंटिन्यू, ओके। पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी मैं तब तक उसको वो कवर अप करूंगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बट चलिए अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे नैंड गेट से हमने एक्सोर बनाया और नैंड गेट से एक्सनोर बनाया, तो एक चीज़ ये समझ लीजिए आप कि जो भी एक्सोर और एक्सनोर के ऑपरेशंस हैं वो टू इनपुट्स के लिए, मान लीजिए टू इनपुट का एक्सोर है ना, अगर इसका इन्वर्टर कर दिया जाए तो ये आपको एक्सनोर दे देता है, ये कन्फर्म है टू इनपुट के लिए, ओके। अगर यही टू इनपुट का एक्सनॉर है और आपने इसका इन्वर्टर कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स और मिल जाएगा। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि नैंड गेट से चार नैंड गेट अगर हम यूज करें चार, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव और, ओके। और अगर हम इसी के आगे एक और नैंड गेट एज एन इन्वर्टर यूज कर लें, नैंड एज नॉट यूज कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, XNOR, क्योंकि हमें बताया ना कि XOR का इन्वर्टर कर रहे हैं तो XNOR मिल जाता है। तो एक चार्ट अगर हम क्रिएट करें कि NAND गेट हमारे पास है मान लीजिए और हमको NOT बनाना है, तो कल हम लोगों ने बात की थी एक गेट लगेंगे, AND बनाना है तो कितने लगेंगे, दो लगेंगे, और बनाना है तो तीन लगेंगे, क्लियर है ना। आज हम लोगों ने बात की एक्सक्लूसिव और बनाना है तो चार लगेंगे, और एक्सनॉर बनाना है तो एक्सनॉर का एक बड़ा इन्वर्टर करेंगे तो ये पांच लगेंगे, क्लियर। द सेम मैनर अगर हम नॉर गेट यूज करते हैं तो नॉर से नॉट बनाने के लिए कल एक बात हुई थी, नॉर से और के लिए दो, नॉर से एंड को इंप्लीमेंट करेंगे तो तीन, नॉर से एक्सनॉर इंप्लीमेंट करेंगे तो पांच, और नॉर से एक्सनॉर इंप्लीमेंट करेंगे तो चार गेट यूज होंगे। क्लियर है, फर्क मारी ना बात यहां पे। तो ये बेसिक एक चार्ट क्रिएट हो जाता है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स है, मतलब कि आप कोई बंदा नैंड से एंड ऑपरेशन करने के लिए दो गेट यूज कर रहा है, वेल एंड गुड, अगर किसी ने चार यूज कर लिया तो वो मिनिमाइजेशन नहीं होगा, है ना, कंफर्म मिनिमाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो चार्ट क्रिएट किया गया है वो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हैं, मतलब कि नैंड से नॉन को इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम एक गेट चाहिए,
NAND से OR करने के लिए कम से कम तीन गेट चाहिए। कोई भी तरीका हमारे पास नहीं होगा कि हम तीन गेट से कम गेट यूज करके NAND से OR को इम्प्लीमेंट कर सके। समझ मारी बात? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज समझने वाली है कि हाँ, ये मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज किए जा रहे हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कुछ बेसिक चीजें हैं, ए एक्सोर वन अगर कहीं आ जाए, ए एक्सोर जीरो आ जाए, ए एक्सोर ए आ जाए, ए एक्सोर ए बार आ जाए, है ना? तो इसका डायरेक्टली क्या है? बिल्कुल फंडा समझेंगे हम लोग। ए एक्सोर सर, वेव की फॉर्म कैसे पता करें कि कौन सा गेट है? वेव की फॉर्म कैसे पता करें कि कौन सा गेट है? नहीं समझ में आ रहा है सविन आर सिंह, क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्वेश्चन जो भी डालो क्लियर डालो तो समझ में आएगा एक बार में। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, चार हमने ऑपरेशंस लिखे, ए एक्सोर वन है ना, तो ए एक्सोर वन को अगर हम इंप्लीमेंट करें या तो हम ड्राइव करें इसको या तो डायरेक्टली बता देते हैं। तो देखिए हम इसको ड्राइव एक बार आप क्लियर कर देते हैं, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। ए एक्सोर वन है ना, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट ये कहता है ए डॉट जीरो, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी इज वन तो जीरो हो गया, ऑरिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी इज एज इट इज, तो क्या आ जाएगा ए बार। क्लियर है? ए एक्सोर वन इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्सोरिंग ऑफ वन विथ एनी वन। गुड मॉर्निंग अनिल कुमार बिंद, एक्सोरिंग ऑफ वन विथ एनी वेरिएबल गिव्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इन द सेम मैनर ए एक्सोरिंग जीरो, तो हम क्या करेंगे ए डॉट वन, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड ए बार डॉट वन, सॉरी ए बार डॉट जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ए means XORing of zero with any variable gives the same variable like a buffer। अगर कहीं पे ये लिखा रहा है x XORing one, you will get the result XOR, and if x XORing zero, you will get the x। Good morning दीपांका त्रिपाठी, ठीक है बात समझ में आ रही है? Good morning राकेश कुमार। Now, A XORing A, will give you 0. The XORing of the same variable provides 0. And the XORing of complement variable provides 0. Good, good. जब इनपुट एंड आउटपुट पर कोई वेव सिग्नल दिया है तो फाइंड द गेट, ओके जैसे हम आपको बता देते हैं, अभी मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं। देखिए ये क्या है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमने आपको ये बताया कुछ चीजें कि एक्सोरिंग ऑफ वन विथ एनी वेरिएबल विथ प्रोवाइड्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। अविनाश पटेल, जब से गवर्नमेंट कहेगी तब से चलेगी ऑफलाइन क्लास, ठीक है आपको भी पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया ऑफलाइन क्लासेस के लिए और हमें भी पता चल जाएगा। ओके ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको बताना नहीं की जरूरत, पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सबको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस कब से, ऑफलाइन क्लासेस कब से चलेंगी। कुछ नया करो
ऑफलाइन तो आप पढ़ेंगे ही ना, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। आप सबको मोबाइल चलाने में शौक था, लेकिन वही है ना, पढ़ने के लिए वो नहीं है, पढ़ने के लिए मोबाइल 1 घंटे नहीं चला सकते हैं। अविनाश पटेल जी, अवनीश पटेल सॉरी। चलिए तो यहां पर देखिए, एग्जॉरिंग ऑफ वन विथ एनी वेरिएबल प्रोवाइड्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का अगर वन के साथ एग्जॉरिंग करेंगे तो यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। यदि किसी भी वेरिएबल का जीरो के साथ एग्जॉरिंग करेंगे तो आप वेरिएबल ही पा जाएंगे, मतलब बफर की तरह यूज होगा। और अगर किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ एग्जॉरिंग करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट जीरो। और यदि किसी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एग्जॉरिंग करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट वन। ओके, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सेम मैनर, बिल्कुल सेम फंडामेंटल हम लोग यूज करेंगे। किसके लिए? एक्स नॉर के लिए। ये हो गया एक्स नॉर। ओके, चलिए अब देखते हैं। ए एक्स नॉर ए मीन्स ए एक्स नॉर ए, यू विल गेट द रिजल्ट वन। ए एक्स नॉर ए बार, यू विल गेट द रिजल्ट जीरो। ए एक्स नॉर वन, यू विल गेट द रिजल्ट ए। एंड ए एक्स नॉर जीरो, यू विल गेट द रिजल्ट ए बार। पिछला लेक्चर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? YouTube पे मैक्सवेल क्लासेस जाइए। ओके, YouTube पर मैक्सवेल क्लासेस जाइएगा आप, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा, प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, अनिल कुमार भी ना जाकर पहला लेक्चर है, ठीक है। देखिए आप YouTube पे जाइए, YouTube पे जब जाएंगे ना तो आपको मिलेगा, वहीं पे सारे लेक्चर्स आपको वहीं मिल जाएंगे। आज ये मेरा 9th लेक्चर है शायद, है ना? तो वहाँ पर आप देखेंगे तो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, आप जाइए YouTube चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट होगा, वहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले जाइएगा, आपको सारी लेक्चर्स कैस्केड में बिल्कुल मिल जाएंगे। इन क्यू है सारे लेक्चर्स। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, और किसी की कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने आपको दिखाए एक्सॉर और एक्सनॉर के ऑपरेशन। बिल्कुल नम्रता सिंह, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ओके, बट सब एक साथ नहीं पढ़ाए जाएंगे, कुछ समय लगेगा, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स को अभी पता ही नहीं है कि क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, ठीक है? और फिर क्लासेस अगर बहुत आगे हो जाती हैं तो फिर बच्चे फिर वही पीछे वाले लेक्चर्स की को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है? इसलिए थोड़े से वेट करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि विद इन 1 वीक सबके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ऑनलाइन लेक्चर्स चलने लगे हैं, क्योंकि अभी तक चल नहीं रहे थे, कंटिन्यू नहीं थे, कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कि आप ये मान के रखिए कि सारे सब्जेक्ट चलेंगे, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के पास जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तब तक दिक्कत है ना, फिर क्लासेस क्या हो जाएंगी, वो लैग करने लगेंगी, और जब लैग करने लगेंगी तो फिर स्टूडेंट्स को आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ठीक है? उससे कोशिश की जा रही है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी और कंटिन्यूएशन बना रहे।
नंदनी सिंह गुड मॉर्निंग, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर गेट्स की। हमने बात की जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से गेट्स, अभी बहुत एक टॉपिक, एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है गेट, हम लोग हर जगह पर इसको यूज करेंगे अभी, ठीक है। अब एक ये चीज समझना है कि यहां पर क्लास में हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं उनको भी सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। बट एक चीज आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि रेगुलरिटी जब बनाए रहोगे, है ना, जैसे क्लासेस में रेगुलरिटी बनाते थे, रूम पे रहते थे तो आ जाते थे, तो यहाँ पर तो उससे और आसान है रेगुलरिटी बनाना, लेकिन आप लोग रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर आप रेगुलरिटी बनाए रहोगे ना तो चीज़ें और अच्छी लगेंगी, ठीक, बिल्कुल। बस एक चीज़ आपसे ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप रेगुलरिटी बनाइए और उसको मैं भी फॉलो करूँगा, है ना, तो जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा। शिवम अस्थाना कब से शुरू हुआ सर? अपने टाइम पे शुरू हुआ है। प्रदीप कुमार गुड मॉर्निंग। आप सब लेट हो जाते हैं क्या? क्लासेस का टाइम नहीं पता है या जब मन करता है तब क्लास में आ जाते हैं? बस एक चीज है, आप पंचुअलिटी नहीं दिखाएंगे ना तो आप भी लैग करेंगे, मैं भी लैग करूंगा। सब्जेक्ट्स देर में स्टार्ट होता है, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने में और समय लगेगा, है ना। तो बस एक ही चीज़ यही करना है कि आपको रेगुलरिटी बनानी है, उसको मैं भी फॉलो करूँगा तो जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं ना, बुलियन एक्सप्रेशंस आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आज हम लोग सब कुछ डिजिटलाइजेशन करते जा रहे हैं ना, डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, एवरीथिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ना। टाइम कंफ्यूज, ओके कोई बात नहीं, शिवम असाना अपडेट कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब किया है अगर आपने तो आपके पास नोटिफिकेशन आती होगी, उसको अभी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे ना तो वो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लोगे तो नोटिफिकेशन तो पहले ही आ जाती है ना, अगर हम डाल देते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब किए हैं जिन लोगों ने, उनके पास नोटिफिकेशन जाती है वो देखते नहीं है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो उस लाइन से बाहर ही है। तो इस दोनों चीज़ों को करना है, सब्सक्राइब करने वाले नोटिफिकेशन पे ध्यान दें, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये होती है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिजिटलाइजेशन, सब जानने लगे हैं डिजिटलाइजेशन से बहुत सी चीज़ें, है ना, बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव कर गई। जब डायोड का फॉर्म में गेट दिया, फाइन कहाँ करना है सर? आर सिंह मैं बताया ना कल आप क्लास अटेंड नहीं किए थे, मैंने आपसे बताया था कि जो इंटरनल सर्किट होती है गेट्स की ना, उसी को हम लोग डायोड ट्रांजिस्टर फेट से डिज़ाइन करते हैं ना, दैट इज़ द टॉपिक विल डिस्कस इन लॉजिक फैमिली, ओके लॉजिक फैमिली में वो डिस्कस होगी। वेब सर मैं बता रहा हूँ अभी आपको, तो मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल क्या क्या बेनिफिट आज हम लोग देख रहे हैं, हम सबको डिजिटल इंडिया को यूज़ कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को ही प्रेफर कर रहे हैं। आज हम लोग शायद स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी डिजिटल स्टडी हो गई है ना। डिजिटल स्टडी का बेनिफिट सबसे पहली बात क्या मिल गया आपको? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या हुई, जैसे क्लासेस 10:30 बजे अगर चलनी है तो वो दिखाने लगेगा 10:30 बजे चलेगी, है ना, एक्यूरेसी है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि सर्किट जो है मिनिमाइज हो गई, है ना, सब कोई अपने अपने घर से पढ़ रहे हो ना, रूम क्लासरूम की ज़रूरत है और ना ही मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखो अगर, तो डिजिटल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिजिटल सर्किट्स का जो बेनिफिट्स है वो कहता है कि सर्किट मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए, बट इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, विदाउट इंटरप्टिंग आउटपुट, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स आउटपुट। अगर सर्किट मिनिमाइज हो जा रही है तो वो डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलने को की ओर दिखाता है ना। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं फास्ट रिस्पॉन्स, गुड, वेरी अच्छी बात है। आज जैसे जैसे सर्किट थोड़ी मिनिमाइज होगी
तो हमें ये पता है ना, हर एक सर्किट का, चाहे कोई भी कंपोनेंट सर्किट में लगा हो, डायोड लगा हो, ट्रांजिस्टर लगा हो, कोई लॉजिक गेट लगा हो, फेट लगा हो, हर सर्किट का एक डिले होता है ना। डिले, डिले मतलब ट्रांजिशन टाइम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, इनपुट देने और आउटपुट मिलने के बीच में जो डिले होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, में जो टाइम का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग डिले कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब सर्किट में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होंगे, बट ध्यान क्या देना, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाएंगे तो हर कंपोनेंट का जो डिले है वो भी कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी सर्किट को किसी इंजीनियर ने 10 कंपोनेंट से डिजाइन किया, 10 कंपोनेंट से डिजाइन किया, ठीक, और उसी सर्किट को सेम आउटपुट के लिए दूसरे बंदे ने 5 कंपोनेंट से डिजाइन कर दिया, आउटपुट चेंज नहीं है, सेम आउटपुट है ना। 9:30 से क्लास चलती है, अनिल कुमार बिन, है ना, 9:30 से क्लास चलेंगी। ठीक है, तो अब वो जो 5 कंपोनेंट, तो सर्किट मिनिमाइज हो गई, सर्किट मिनिमाइज हो गई तो भाई पक्का है कि अगर 10 कंपोनेंट्स लगे और सबका डिले अगर 1 नैनो सेकेंड है, डिले को हम किस में मेजर करते हैं, माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में, प्रोपोगेशन डिले जिसको कह सकते हैं, वो टेक्निकल टर्म होता है प्रोपोगेशन डिले। तो प्रोपोगेशन डिले मस्ट बी मिनिमम फॉर एनी सर्किट और फॉर एनी कंपोनेंट, एंड द प्रोपोगेशन डिले इज मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, ओके, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मान लीजिए 10 कंपोनेंट्स आपने यूज किए और सबका डिले, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, हाँ तो नहीं है यार नीरज यादव, क्लियर आ रही है, देखो कुछ प्रॉब्लम होगी, हमने भी चेक इट किया अभी तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, क्लियर है सर, नरेंद्र सिंह क्लियर है, हाँ वही क्लियर है, देख लो कुछ, या तो ये हेडफोन का यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम होगी। नीरज यादव क्लियर आ रही है, ओके ओके, सावन मिश्रा, ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हमने आपसे बताया कि अगर कंपोनेंट्स की संख्या कम हुई तो भाई कन्फर्म है कि जो कंपोनेंट्स की संख्या कम होगी तो प्रोपोगेशन डिले कम हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज, तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, एवरी कोई भी कंपोनेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, कोई भी कंपोनेंट अगर होगा तो सबको ऑपरेट होने के लिए पावर कंजप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं तो पावर वो किलोवाट वाट में चाहिए, बट हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो पावर मेजरमेंट्स होती हैं वो किस में होती है, मिलीवाट, माइक्रोवाट, नैनोवाट। इट इज क्लियर दैट कि जो पावर की रिक्वायरमेंट वो बहुत कम है, लेकिन अगर कोई डिजाइनिंग करने में हमें सर्किट खरीदने गया मैं और उसमें कह रहा है कि इसमें हमें 3 मिलीवाट की पावर रिक्वायरमेंट है, और दूसरा वाला कह रहा है कि सर आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा, आउटपुट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा और आपको केवल इसमें 2 मिलीवाट की पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे लिए 2 मिलीवाट की पावर की जो रिक्वायरमेंट की सर्किट है, अगर आउटपुट सेम है तब तो वो हमारे लिए प्रेफरेबल होगा। ये क्लियर है, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें देखनी है, ओके, कि कैसे कैसे हमारे सर्किट्स में पावर रिक्वायरमेंट का रोल है, है ना। तो चीज़ें ध्यान देने वाली बात यही है कि पावर रिक्वायरमेंट्स कम से कम होनी चाहिए, और पावर रिक्वायरमेंट्स कम से कम कब होंगी, जब सर्किट आपकी मिनिमाइज्ड होगी। तो मिनिमाइजेशन करना है हमारा कॉन्सेप्ट, नया जो हमारी सर्किट्स होनी चाहिए वो मिनिमाइज्ड होनी चाहिए ना। तो मिनिमाइजेशन के बेनिफिट्स हमने आपको बताया, पावर
रिड्यूस्ड कर जाती है, रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है, या अदर वर्ड्स में कहा जाए तो प्रोपोगेशन डिले कम हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू होता है मार्केट में, है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉस्ट की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो कॉस्ट भी रिड्यूस कर जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होंगे विदाउट अफेक्टिंग इट्स आउटपुट, जो आपकी कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, कॉस्ट कम होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें, और एरर के चांस क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएगा भाई। जितने आप कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए क्लास में 20 लड़के हैं, है ना, तो अगर 20 लड़के हैं तो सब अलग अलग तरीके के नॉइज़ जनरेट करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई कर पाना कठिन है। लेकिन अगर क्लास में 5 ही लड़के हैं तो इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द एरर। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जैसे जैसे रिड्यूस होंगे वैसे वैसे आपके जो एरर के चांसेस हैं वो भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। बात समझ में आ रही यहाँ तक? तो यही सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या मुझे पूरी थ्योरी हम आपको ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिनिमाइजेशन है। मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन के दो मेथड्स हैं, एक है लेट एंड ट्राई मेथड, है ना, और दूसरा एक बहुत बेसिक, बहुत वास्ट रूल बता दिया गया था साइंटिस्ट कारनाफ, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के मैप कहते हैं ना, कारनाफ मैप। तो कारनाफ मैप की सहायता से भी हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और मेथड होता है टेबुलेशन मेथड, ओके, वो हमारे, हम आपको डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है जेई का, है ना, बट हम थोड़ा सा डिस्कस आपको करेंगे कि कहाँ पर के मैप की जो मेथड से वो थोड़ा सा लेंदी हो रहे थे, तो टेबुलेशन मेथड बताया गया। तो ये हमारा एक फंडामेंटल है कि जो हम मिनिमाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कि मिनिमाइजेशन का पहला ये टॉपिक होता है क्यों मिनिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है ना, तो यहाँ पर भी यही चीज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही यहीं पे रखते हैं, कल फिर सेम टाइम 9:30 पे हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है, और मिनिमाइजेशन के बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे, हाँ, और EDC की क्लास को विद इन 2 डेज हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कब स्टार्ट हो रही है, कैसे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।